करना, मैं बस मीडिया से रूबरू हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए, और ख़ास करके मैं सलाम करता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम उन छात्र छात्राओं का कि वो अपने जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली तक पहुँचे हैं। दिल्ली इसलिए पहुँचना पड़ा क्योंकि कुछ लोग मन की बात तो करते हैं पर वो जन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दुर्भाग्य है, मैं अभी देख रहा था इस दीवार पे भी लगी हुई है माँ दुर्गा की चित्र लगे हुए हैं। हम लोग नवरात्र का पर्व मना रहे, कन्याओं की पूजा होती है इस पर्व में। मैं मुसलमान हूं पर मैं हिंदू और भारतीय संस्कृति को जानता हूं, आप इतना चौंकिए मत। माँ दुर्गा की पूजा होती है और सौभाग्य से रविवार के दिन पे बेटियों का दिवस, पश्चिमी कल्चर में उसको डॉटर्स डे कहते हैं, पर बेटियों का दिवस बनाया जा रहा था। और क्या किया गया हमारी बेटियों बहनों महिलाओं के साथ, उनको डंडों डंडों से पीटा गया क्योंकि वो कुछ जायज मांगे अपनी मनवाना चाह रही थी, वो अपने बीएसयू वाइस चांसलर से इंसाफ की गुहार कर रही थी। इसलिए हमारे देश की बेटियों बहनों और महिलाओं को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रही थी, क्योंकि वो अपने मन की बात कर रही थी। मैंने इनका ज्ञापन पढ़ा है, मैंने सोचा ऐसी क्या मांगे रख रहे थे कि इनको देशद्रोही तक सुब्रमण्यम स्वामी नक्सली कह रहे हैं, ऐसी कोई मांगे थी, अलग राष्ट्र बनाने की मांग रख रहे थे। तो मैंने ज्ञापन बहुत गहराई से पढ़ा कि कहीं दूसरा पाकिस्तान तो नहीं मांग लिया इन्होंने। क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कमिटी होनी चाहिए कि जहां पे अगर महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो एक कमिटी हो जिसमें कि एक इन बातों को रिजॉल्व किया जा सके, जिसमें कि पीड़ित को यह ना कहा जाए, पीड़िता को यह ना कहा जाए कि तू 6:30 बजे बाहर क्यों गई भाई, बाहर जाएगी तो ये होगा, ये ना कहा जाए। ये चाहते थे सीसीटीवी काम करे, ये चाहते थे कि जो सड़कें हैं अंधेरी सड़कें जहां पे कुछ लोग घूमते हैं और लड़कियों के साथ ये बदसलूकी करते हैं वहां पे लाइटें लग जाए, ये चाहते थे कि जो सुरक्षा का एटमोस्फियर होना चाहिए कैंपस में वो बना रहे, कि भेदभाव की नीतियां ना हो। वाइस चांसलर कहते हैं, और मैंने उनका बयान पढ़ा है, अखबारों में छपा है कि महिलाएं अगर मांसाहारी खाना खाएंगी तो अशुद्ध हो जाएंगे, ये कौन सी मानसिकता है? मैंने आप कल का उनका बयान पढ़ा है कि सवाल ये होना चाहिए कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं के साथ क्यों होता है। अरे वाइस चांसलर साहब, आप मुझे बता दो, महिलाओं के साथ बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि आप उन मर्दों पे काबू नहीं कर पाते हो, इसलिए महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये जवाब है। आप पीड़ितों पे और महिलाओं पे सवाल उठा रहे हो, अलग अलग नीतियां लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब उनके संसदीय क्षेत्र में यह बात होती है तो वो क्या कहते हैं? कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? देखो भाई ट्विटर खोलो अपना, कहा होगा? अरे कहा होगा, मैं आपको यकीनन कहता हूं, मीडिया वाले उनका हर ट्वीट आप दिखाते हो ना, कहां है ट्वीट? संसदीय क्षेत्र में उनके ये बात हो रही है, और ये क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा था तो आप प्रधानमंत्री की और हमारे विश्वविद्यालय की जो है इज्जत के ऊपर तोहीन करने के लिए पूरा आंदोलन उठा रहे हो। मुझे आप बताइए कब उठाए इस इशू को? प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में हो तब नहीं उठा सकते, फिर आप कहेंगे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश में है तो प्रदेश की बात मत उठाइए, फिर आप कहेंगे प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश में तो देश की बात मत उठाए, तो क्या जब प्रधानमंत्री विदेश जाए तब उठाए इस बातों को? जब विदेशी दौरे पे रहे प्रधानमंत्री तब इन बातों को उठाया जाए? ये कौन सा तर्क है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है महिला आयोग? ये महिला आयोग आशुतोष को तो उन्होंने, मेरे पार्टी के नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी के आशुतोष को 10-10 नोटिस भेज दी कि उन्होंने एक लेख लिखा, शरद यादव को नोटिस भेज दी, अलग अलग लोगों को नोटिस भेजी जाती है, और अच्छा है भेजे, अगर उन्होंने कुछ कहा है महिला विरोधी तो उनको नोटिस भेजे। पर आज इन लड़कियों को पीटा गया है, आज एक वाइस चांसलर ये बातें कह रहा है कि लड़कियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, आज वही वाइस चांसलर ये कहता है कि लड़कियां जो रात को पढ़ती है उनके चरित्र पे सवाल उठता है, और हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग कहां है? कहां है वो? ये सवाल उठता है। देश में
फुल टाइम महिला डिफेंस मिनिस्टर बनाया मोदी जी आपने, बहुत अच्छा किया। पर हर महिला तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, आप इन महिलाओं के अधिकारों की बात कब करेंगे? मैं तो आपको पहले से कहता था, आप लोग यकीन नहीं मानते थे। जिस विचारधारा में अपनी बूढ़ी माँ को 4,000 रुपए निकालने के लिए नोटबंदी में भेज दिया जाए, जिस विचारधारा के तहत जो महिला गुजरात से पुकार रही है कि मेरे साथ आ जाओ, मुझे साथ में रखो, मेरा पासपोर्ट बनवा दो और उस मर्द पे कोई असर ना पड़े, उस मर्द से ये उम्मीद करना कि वो इन महिलाओं की बात सुनेंगे, ये पहले से ही मैं आपको कह रहा था कि ये उम्मीद मत कीजिए। और आज वही बात सच साबित हो चुकी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री संवेदनशील होते, अगर ये सरकार संवेदनशील होती, तो अब तक इस वाइस चांसलर का इस्तीफा आ गया होता, और आएगा नहीं, किसी भी रूप में इस्तीफा नहीं आएगा। इनका बयान है कि अगर देश की सरकार में आरएसएस बैठी है तो मेरे विश्वविद्यालय में शाखा खुल जाए, तो इसमें क्या खराब बात है? जब देश की विचारधारा को आरएसएस वाली बता रहे हैं और उससे शाखाएं खुलवाने का काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे शाखा के प्रभारी, वाइस चांसलर नहीं, शाखा के प्रभारी ये कार्रवाई करेंगे? ये तो बाबा राम रहीम के समर्थक हैं, ये तो बाबा राम रहीम जैसे लोगों को बचाने वाले हैं। साक्षी महाराज का बयान मालूम है ना, बाबा राम रहीम ने बलात्कार किया, उनके चरणों में कौन साष्टांग कर रहा था पूरे देश ने देखा, उनको कोर्ट ने सजा दिलवाई और साक्षी महाराज ने कहा कि कोर्ट गलत है, सिर्फ 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, आप तमाम लोगों की षड्यंत्र है। ये कहने वाले सांसद इनकी पार्टी में है और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बहन बेटी, और अगर मेरी बहन और बेटी नहीं भी है तो देश की महिलाओं के लिए खड़े होने वाले और उनके साथ एकजुट होने वाले लोग नहीं है, क्योंकि संघ परिवार का, मुझे एक बार बता दीजिए, आरएसएस ने कभी भी महिला संचालक बनाया है? नहीं बनाया है, और ना वो बनाएंगे, ना भाजपा कभी अपनी महिलाओं को उनके पार्टी की अध्यक्ष बनाएगी। तो जिस पार्टी और परिवार की विचारधारा ही मूलभूत से महिला विरोधी हो, उनसे महिलाओं के हक की बात करना ये सरासर बेवकूफी का काम है। हम लोग ये तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मन की बात छोड़ के इन महिलाओं की और हमारी जंग की बात नहीं सुनते। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।